ब्रह्मवेत्ता की स्थिति और याज्ञवल्क्य के प्रति जनक का आत्मसमर्पण, यही बात ऋचा द्वारा कही गई है। यह ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है जो कर्म से ना तो बढ़ती है और ना घटती ही है। उस महिमा के ही स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए। उसे जानकर पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। अतः इस प्रकार जानने वाला शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु और समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है। सभी को आत्मा दिखता है। उसे पुण्य पाप रूप पाप की प्राप्ति नहीं होती। ये संपूर्ण पापों को पार कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुंचाता। ये सारे पापों को संतप्त करता है। ये पाप रहित, निष्काम, निसंशय ब्राह्मण हो जाता है। हे सम्राट, ये ब्रह्म लोक है, तुम इसे पहुंचा दिए गए हो, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। तब जनक ने कहा, वह मैं श्रीमान को विदेह देश देता हूँ, साथ ही आपकी सेवा करने के लिए अपने आप को भी समर्पण करता हूँ। ब्राह्मण के द्वारा कही गई ये बात ऋचा अर्थात मंत्र द्वारा भी कही प्रकाशित की गई है। यह नित नीति इत्यादि श्रुति के द्वारा लक्षित आत्मा नित्य महिमा है। दूसरी जो महिमाएं हैं, वे तो कर्म द्वारा संपन्न हुई हैं, इसलिए अनित्य हैं। किंतु ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण ऐष्णाओं का त्याग करने वाले ब्रह्मवेत्ता की यह उनसे विलक्षण महिमा स्वाभाविक होने के कारण नित्य है। इसकी नित्यता क्यों है, इसमें श्रुति हेतु बतलाती है। यह कर्म से नहीं बढ़ती, अर्थात किए हुए शुभ रूप कर्म से यह वृद्धि रूप विकार को प्राप्त नहीं होती, तथा अशुभ कर्म से कनियान अर्थात क्षय रूप विकार को प्राप्त नहीं होती। समस्त विकार वृद्धि या क्षय के ही हेतुभूत है। अतः इन दो विकारों के प्रषेध द्वारा उन सभी का प्रषेध कर दिया जाता है। इसलिए अविक्रय होने के कारण यह नित्य महिमा है। अतः उस महिमा का ही पदवित्त अर्थात स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए। जिसकी प्रतिपत्ति अवगम अर्थात ज्ञान होता है वह पद है। अतः यहाँ स्वरूप ही पद है। उस पद का वेत्ता जानने वाला पदवित कहलाता है। उस पद को जानने से क्या होगा सो बतलाया जाता है। उस महिमा को जानकर पुरुष पाप धर्म अधर्म रूप कर्म से लिप्त संबद्ध नहीं होता। ज्ञानी के लिए तो पाप पुण्य दोनों पाप के तुल्य ही हैं, क्योंकि इस प्रकार ये नेति नेति इत्यादि लक्षण वाले ब्राह्मण की महिमा कर्म से संबंध रखने वाली नहीं है। इसलिए इस प्रकार जानने वाला शांत, बाह्य इंद्रिय व्यापार से उपशांत, दांत अंतःकरण की तृष्णा से निवृत्त, उपरत संपूर्ण ऐष्णाओं से सर्वथा निवृत्त सन्यासी, तितिक्षु धन सुख दुख सर्दी गर्मी आदि सहन करने वाला और समाहित इंद्रिय और अंतःकरण के चलन रूप से व्यावृत होकर एकाग्र रूप से समाहित हो, यही बात पहले बाल और पांडित्य को पूर्णतया जानकर इस वाक्य द्वारा कही गई है। आत्मा में अर्थात देह इंद्रिय संघात रूप अपने में अंतर्वर्ती चेतन आत्मा को देखता है, तो क्या उस शरीर में वे उतने ही परमाण वाले परछिन्न आत्मा को देखता है। इस पर कहा जाता है, नहीं, वे सबको आत्मा ही देखता है। आत्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु बाल के अग्रभाग के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार वह देखता है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति संज्ञक तीनों अवस्थाओं को छोड़कर मनन करने के कारण मुनि हो जाता है। इस प्रकार देखने वाले इस ब्राह्मण को पुण्य पाप रूपी दोष नहीं तरता, नहीं प्राप्त होता, किंतु यह ब्रह्मवेत्ता तो संपूर्ण पाप को तर जाता है। उसे आत्मभाव से ही व्याप्त आक्रांत कर देता है। इसे कृत अकृत रूप पाप इष्ट फल प्रदान और प्रत्यवायोत्पादन के द्वारा ताप नहीं पहुंचाता, और यह ब्रह्मवित्त संपूर्ण पाप को तप्त करता यानी सर्वात्म दर्शन रूप अग्नि से भस्म कर देता है। वह
ये इस प्रकार जानने वाला विपाप, धर्म अधर्म हीन, विरज विगत रज रज काम को कहते हैं। अतः निष्काम अविचिकित्स संशयहीन और मैं सर्वात्मा पर ब्रह्म हूँ। इस प्रकार जिसका निश्चय है वह ब्राह्मण हो जाता है। इस अवस्था में ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ यह ब्रह्मवेत्ता ही मुख्य ब्राह्मण है। इस ब्रह्म स्वरूप में स्थिति होने से पूर्व तो इसका ब्राह्मणत्व गौण ही है, मुख्य नहीं। यह ब्रह्म लोक है, ब्रह्म ही लोक है, अर्थात मुख्य प्रधान एवं उपचार रहित सर्वात्म भाव रूप ब्रह्म लोक यही है। हे सम्राट, इस नेति नेति इत्यादि रूप से लक्षित अभय ब्रह्म लोक को तुम्हें पहुंचा दिया, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। इस प्रकार याज्ञवल्क्य के द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त कराए हुए ब्रह्मभूत जनक ने उत्तर दिया, आपके द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त कराया हुआ मैं आप श्रीमान को विधेय देश अर्थात अपना सारा राज्य देता हूँ, तथा विधेय देश के साथ अपने आप को भी दास से दास कर्म के लिए देता हूँ। संन्यास अंग और इति कर्तव्यता के सहित ब्रह्म विद्या की सर्वथा समाप्ति हो गई, परम पुरुषार्थ का परिवसान हो गया। पुरुष को इतना ही कर्तव्य है, यही निष्ठा है, यही परागति है और यही निःश्रेयस है। इसे पाकर ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है और यही संपूर्ण वेद का अनुशासन है।